चुनाव का लाभ छत्तीसगढ़ में मिला और 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास के साथ साथ हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद ये रहा कि छत्तीसगढ़ आज देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में है। नया रायपुर का निर्माण एक अपने आप में बड़े काम की शुरुआत हमने छत्तीसगढ़ में की। एक नया कैपिटल आज छत्तीसगढ़ में विकसित होकर सामने है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के विकास की इस योजना में माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान भी रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए उन कामों को तो मैं गिनाऊंगा, मगर ये कहना चाहूंगा कि देश में एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया। 370 समाप्ति की न केवल घोषणा हुई, इसका क्रियान्वयन हुआ। ट्रिपल तलाक जैसे कठिन चीजों का समाधान निकालने का काम किया और पूरे देश में आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश में 80 करोड़ लोगों के लिए अब जनवरी सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को निशुल्क वैक्सीन, 215 करोड़ लोगों के लिए निशुल्क वैक्सीन की योजना थी, जनधन योजना में 47 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक की इलाज की व्यवस्था हुई। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं का भी लाभ छत्तीसगढ़ में मिला और छत्तीसगढ़ आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश में एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हुआ है। आपने जो प्रश्न किया था, मूल प्रश्न यही था कि गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था के लिए हमने क्या काम किया और गरीबों के बेहतरी के लिए हम कैसे काम किए। मगर छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य यह है कि 4 साल पहले एक ऐसी सरकार बनी भूपेश बघेल की जिसने छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में बदनाम किया। आज छत्तीसगढ़ यदि जाना जाता है तो इस 4 साल में भूपेश के आने के बाद ईडी के मामला और सीडी के मामले को लेकर पूरे देश में चर्चित है। शांति का टापू अपराधगढ़ बन चुका है और जिस प्रकार आज छत्तीसगढ़ की स्थिति है, लूटमार, हत्या, बलात्कार, इन